वो 12 बजे तक खुली रहती है और 12 बजे के बाद इस द्वार को बंद कर दिया जाता है और फिर इसको शाम को खोला जाता है। तो अगर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं बिश्नु गुप्ता। और दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ बिहार की धरती बोधगया में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ बिहार की धरती बोध, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के अपना ज्ञान की प्राप्ति की थी। और उसके अगल बगल में और भी बहुत सारे हैं कंट्रीज़ के जो है सो गौतम बुद्ध के मंदिर बनाई गई है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आइए हमारे साथ चलते हैं बोधगया। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Step. देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह बड़ी-बड़ी होटल हैं रहने के लिए, ठहरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देश से यहाँ पे लोग आते हैं, तो यहाँ पे रुकते हैं। आसपास का माहौल देखने से यह प्रतीत होता है कि यहाँ पे कुछ समारोह चल रहा है, जिसमें से अलग-अलग देशों के बौद्धिक भिक्षु यहाँ पे आए हुए हैं। यह वार्षिक सम्मेलन में बौद्धिक भिक्षु यहाँ पे बौद्ध जाप करते हैं और मौखिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यह है मुख्य मंदिर। इसी मंदिर के पास में वह पीपल का वृक्ष है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर जाने का मुख्य द्वार है। पास में यहाँ पे आप निःशुल्क जूता चप्पल खोल कर रख सकते हैं। सामने गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपको किताब यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। और यह जगह आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अपने बैग रख सकते हैं एंट्री करने से पहले। तो मेन मंदिर में एंट्री करने से पहले आपका मोबाइल, आपका बैग और जूता चप्पल सब कुछ यहाँ पे जमा कर लिया जाता है। अभी जा रहा हूँ मेन मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो उससे पहले मैं अपना मोबाइल, मैं अपना बैग और जूता चप्पल जा रहा हूँ इस काउंटर में जमा करने के लिए। अंदर मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं मोबाइल लेके अंदर जा नहीं सकता हूँ, इसलिए अंदर का भाग तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। मैं अपना बैग और मोबाइल यहाँ पे जमा कर देता हूँ। हम उस जगह का दर्शन कर लिए जहाँ पे भगवान बुद्ध ने उस वृक्ष के नीचे अपना ज्ञान प्राप्त की थी। यह जगह जो है, यह एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा रहा मुझे और काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ पे मिलके। ठीक है, तो चलिए फाइनली अपना सामान और यहाँ से मोबाइल हम अपना लेते हैं, उसके बाद कहीं और आपको फिर दर्शन कराऊंगा। तो फाइनली अपना बैग हम ले लिए हैं, ठीक है। और इसके आगे बहुत सारे यहाँ पे मंदिर है जहाँ पे मैं भी आ जाऊँगा और आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। चलिए थोड़ा सा बॉडी में पानी के संतुलन को बूस्ट करते हैं। ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये श्रीलंका के द्वारा बनाया गया बौद्ध धर्म का मंदिर है। यहाँ की तरफ से बनाया गया है। चलिए अंदर मैं दिखाता हूँ इस मंदिर की खूबसूरती को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बुद्ध भगवान के पास में बहुत सारे दिया जो है जो सजा के रखी गई है। लगता है यहाँ पे आरती का प्रोग्राम होता होगा शाम को, लेकिन जो मूर्ति बनाई गई है वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। जा रहा हूँ म्यूजियम जहाँ पे पुरानी पुरानी चीज़ें रखी गई हैं, रखी हुई है, और बहुत कितने सालों से ये चीज़ संग्रह की गई थी किसी को नहीं पता है। तो मैं अभी जाऊँगा और दिखाऊंगा। तो हम टिकट ले लिए हैं यहाँ पर, एक टिकट का 10 रुपया है, दो टिकट लिए हैं, एक मेरे लिए और एक मोहित के लिए। चलते हैं हम एंट्री से अंदर की ओर। तो ये यहाँ का म्यूज़ियम है। अब मोबाइल अंदर अलाउ है या नहीं मुझे नहीं पता, काउंटर से पूछने के बाद पता चलेगा। म्यूज़ियम घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं गौतम बुद्ध का मूर्ति देखने के लिए, जिसकी ऊँचाई लगभग 70 फीट है और यही वो पास में बनाई गई है। यहाँ पे इस म्यूज़ियम में आज से बहुत पहले निकाली गई हुई वस्तुओं को रखी गई है। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने कुछ आपको दिखा नहीं पाया। चलिए वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। बोधगया बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। और ये जो बोधगया है, इसका धार्मिक और ऐतिहासिक जो है बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और भी यहाँ पे बहुत कुछ घूमने को है। घूमते घूमते हम पहुंच गए इंडोनेशिया के द्वारा बनाया गया गौतम बुद्ध के मंदिर के पास।
तो गाइस अभी मैं आपको लेके जाने वाला हूँ तिब्बत के द्वारा बनाया गया बौद्ध धर्म का मंदिर। मंदिर का जो द्वार है वो 12 बजे तक खुली रहती है और 12 बजे के बाद इस द्वार को बंद कर दिया जाता है और फिर इसको शाम को खोला जाता है। तो अगर कभी आप इस यहाँ पे विजिट करते हैं बोधगया में और मंदिरों पे जाना चाहते हैं तो काफ़ी सारे मंदिरें हैं जो 12 बजे तक बंद कर दी जाती है, तो इसलिए आप 12 बजे के पहले आएँ या फिर शाम को आएँ। और ये है तिब्बत के द्वारा बनाया गया। ऐसे घूम के सेल्फी लेना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसे चलिए एक सेल्फी ले ही लेता हूँ। तो गाइस फाइनली हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का 80 फीट का मूर्ति बनाया गया है। चलिए हम उस खूबसूरत दृश्य का आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये इतनी दूर से भी यह मूर्ति जो है वो इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, तो पास से और कितनी बड़ी दिखाई देगी चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। और पास जाके देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लगी हुई है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस मूर्ति को देखने के लिए, और भी बहुत सारे कंट्रीज लोग यहाँ पे आते ही रहते हैं इस मूर्ति को देखने के लिए। यह देख सकते हैं मूर्ति की हाइट काफ़ी बड़ी और काफ़ी ऊंची इमारत यहाँ पे है बनाई गई है गौतम बुद्ध का। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध की इस प्रतिमा को, इस प्रतिमा के सामने हम लोग छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं, और वैसे है भी उनके सामने हम सब बच्चे ही हैं। कितना ऊंचा इमारत है। तो मंदिर के पास में यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग सेंटर भी हैं जहाँ से आप कुछ यादगार चीज़ों को अपने साथ में समेट के लेके जा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने घर पे रख सकते हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं और हाँ यहाँ पे कोई भी सामान ज़्यादा महंगा नहीं है, सब एवरेज में है और आप आराम से खरीद। ये जो पीछे आपको खूबसूरत सा मंदिर दिखाई दे रहा हुआ यह थाईलैंड के द्वारा बनाया गया मंदिर है। बोधगया के आसपास में और भी बहुत सारे जगह हैं घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय और राजगीर। और बोधगया आने के लिए आपको हर तरह से साधन मिल सकते हैं, ट्रेन का, बस का और फ्लाइट का भी यहाँ पे सुविधा है, उपलब्ध है। दोस्तों ये था हमारा बोधगया बिहार का ब्लॉग जहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।